तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस इंडर। ये वाली वीडियो में मेरे को सच में जो है एक स्पीड हैकर मिलता है। आई मीन मैं रोनिक पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये मैच देख सकते हैं, इसमें कोई भी पावर यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि ये नॉर्मल मैच है। और वो जो हैकर था या हैकर था या ये ग्लिच था मुझे नहीं पता, लेकिन उस बंदे में भाई बहुत तगड़ी वाली स्पीड थी। और इवन यहाँ पर देखो यार बैड लक से शुरुआत होती है, जिस घर के अंदर मैं घुसा उस घर के अंदर एक बंदा UMP उठा रहा है मेरे बिल्कुल सामने, और इधर मैं आया तो इस घर के अंदर भी बंदा है, इस घर के अंदर आया तो इस घर के अंदर कोई नहीं था, तो मेरे को यहाँ पर शॉटगन मिल गई। और मैंने यहाँ पर सोचा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर मैं जो है शॉटगन से आदमी को किल करता हूँ, लेकिन तभी मेरे को एक भी मिल जाती है। और इसके बाद आपको मैं कुछ वो वाला मूवमेंट में दिखाऊंगा जहाँ पे वो स्पीड हैकर मेरे को मिलता है, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा इन सारे लोंडों को, और उसके बाद मैं और वो स्पीड हैकर ही बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। फिलहाल यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैं इस बंदे को मारने की ट्राई करी, लेकिन यहाँ पे मैं चूक जाता हूँ। और अब देखो कैसे पड़ते ये वाले बंदे को अंदर जाके, इसको पता नहीं था इतनी पीछे पीछे मांगे इसके, और एट देन काफ़ी इजीली मार दे ये वाले बंदे को। लेकिन चारों तरफ जो है बहुत ही गन साउंड आ रहे थे, मतलब कन्फ्यूज़ हो रहा था यार मैं किस तरफ रश करूँ, इस तरफ जाऊँ उस तरफ जाऊँ, मतलब किस साइड जाऊँ, बहुत ही कन्फ्यूज़ हो रहा था मैं। और फिलहाल मैंने सोचा यार किसी ना किसी साइड तो अपने को जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे जो है बैठे नहीं रह सकते, अपने पास ओजी भी है सब कुछ है, तो मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। और पहले मैंने सोचा यार ये वाले बंदे के ऊपर रश करते हैं, लेकिन यार सबसे पहले तो उसको मारना चाहिए जो कि काफ़ी ईजी हो, और मैं आ जाता हूँ ये वाली साइड। यहाँ पर मैंने सोचा यार सबसे पहले तो पिस्टल वालों को मारते हैं, क्योंकि इनको मारना जो है काफ़ी इजी है, पिस्टल वाले ही लड़ रहे थे यहाँ पर पीछे, उनको मार दिया मैंने। अब पिस्टल मेरे को कुछ हलचल सुनाई देती है, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसी को रिलोड मारता हूँ, एंड उसके बाद जो है मैं इस लास्ट वाले कमरे में जाकर थोड़ा सा देखने की ट्राई करता हूँ। और तभी मेरे को एक बंदा दिखता है हल्की सी मुंडी, मैंने डैमेज किया उसको लेकिन डैमेज इतना हुआ नहीं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लोज जाने की ट्राई करता हूँ। और काफ़ी आराम से बैठा हुआ था बंदा, लेकिन सामने वाले घर में एक बंदा है, और मेरे को भी जो है चारों तरफ से पड़ रही, तो मैंने सोचा यार यहाँ पर नहीं रह सकते, सामने वाले घर में जाके उस बंदे को मारना ही पड़ेगा मेरे को। और तभी इस तरफ मेरे को जो है 3-4 फुटस्टेप आते हैं, बहुत सारे फुटस्टेप आते हैं एक्चुअली में। और यहाँ पे जस्ट आप देखना सामने पेड़ के पीछे देखो यार, उस बंदे ने मेरे को देखा नहीं, और भाई इसीलिए कहते भाई नज़र जो है चारों तरफ रखनी चाहिए। और ये इसको भी देखो यार काफ़ी इजीली बढ़ गया ये वाले बंदे को भी। अब फिलहाल सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जो है इस बंदे को लूटता हूँ, और अगेन जो है यहाँ से कहीं पर भी जाऊँ यार हर तरफ जो है गन साउंड आ रही थी, और आपको गेस करना है कि भाई यहाँ पर जो अपन कितने किल कर पाते हैं। फिलहाल सबसे पहले तो जिस तरफ से साउंड आ रहा था उस तरफ आते अपन, यहाँ पर मैंने नेट का पिन खींचा क्योंकि मेरे को पता था सामने वाले घर में बंदा है, नेट का पिन अगर मैं पहले खींच दूंगा तो वहाँ पर उसको इतना पता नहीं चलेगा, और काफ़ी इजीली नॉक कर दिया। अगर मैं पहले दरवाज़ा खोल देता और फिर नेट का पिन खींचता तो वो TPP के थ्रू वो मेरे को देख लेता, और भाई यहाँ पे जो काम गलत हो सकता था। लेकिन अब फिलहाल दूसरे की बारी, और इसी के साथ जो है ये दोनों के दोनों भर दिए जाते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वो वाला मूवमेंट कहाँ भाई जब हैकर आता है, तो वो वाला मूवमेंट शुरू होता है कुछ यहाँ से। यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर आया क्योंकि मैंने पीछे वाले सब बंदों को मार दिया था, और इस सब मेरे को जो है कुछ और दो बंदों के फुटस्टेप आते हैं, और मैं यहाँ पर TPP ले रहा था कि कब ये अंदर आए। अब आपने देखा होगा यार यहाँ पे इसको मैं फिनिश करने वाला था, कि भाई ये वाला बंदा जो इतनी फास्ट मूव करता है, मुझे नहीं लगता ये कोई हैकर था या कुछ, हो सकता है हैकर हो भी और ऐसा भी हो सकता है ग्लिच हो, लेकिन जो भी था यार वो वाला बंदा जो है बहुत ही तेज मूव करा वहाँ पे, मतलब बचने के लिए या फिर वो ग्लिच था यार वैसे मेरे को नहीं पता, आप बता सकते हो। लेकिन फिलहाल मैंने इस बंदे को जो यहाँ पे मारा, और अब बारी इसके टीममेट की, उसको तो मैंने फिनिश कर दिया, जैसे मैंने उसको गोली मारी भाई वो वाला बंदा जो है 100 की स्पीड से भागा। मैंने यार वैसा वाला मोमेंट एक ही टाइम पे देखा था जब मेरे मैच में जो है एक बहुत ही तगड़ा वाला हैकर आ गया था स्पीड वाला। लेकिन अब फिलहाल इसको देखो न सुध न बुध, और मारी जाती है ये वाली लड़की। अब फिलहाल यहाँ पर जो है सबसे पहले तो मैं गाड़ी उठाने की उठाकर यहाँ से निकलने वाला था, कि यहाँ पर कुछ और मेरे को जो है पुष्टा पाते हैं। मैंने सोचा नेट से काम बन जाएगा, लेकिन यार यहाँ पर जो है ये वाले बंदे काफ़ी टफ मेरे को टक्कर देते हैं, क्योंकि दोनों साइड से एक टाइम पे इन बंदों ने मेरे को घेर लिया था। अब देखो एक बंदा बिल्कुल सामने, एक मेरे को मेरे पीछे, पीछे वाले को नॉक एंड फिनिश कर दिया। लेकिन अब जो बंदा है भाई, अब बारे इस बंदे की, और यहाँ पर देखो यार इस बंदे से एक हल्की सी गलती हो जाती है, जैसे देखो आप
यहाँ पे ये बंदे थे सब कुछ सही करता है, लेकिन यार एट द एंड जो है यहाँ पे लक ने मेरा साथ दिया और जस्ट देखो यार 1 HP में बचाऊँ मैं। अब यहाँ पे आते हैं और क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भाई ये वाले मैच में मेरे काफ़ी बैड लग रहे थे, तो यहाँ पे भी एक बैड लक आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं जैसा है मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता था, लेकिन गाड़ी टकरा गई और मजबूरन रुकना पड़ा। अब दोनों साइड बंदे उस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और लकीली मैं यही वाले साइड के बंदे से मारा जाता हूँ और फिलहाल जो भी हो। लेकिन यार अब आते हैं दूसरे मैच में और इसमें जो है आपको कुछ और बैड लक दिखाता हूँ, लेकिन हर बैड लक की शुरुआत होती है गुड लक से। ये वाले देखो मैंने जैसे नॉक किया भाई, इस बंदे ने तो लेफ्ट ही कर दिया वहाँ पे। जस्ट अब देखो वो मूव भी नहीं करा वहाँ पे, इसका टीममेट इसको बचाने की ट्राई करता है, लेकिन वो वाला बंदा देखो यार मतलब नॉक होते लेफ्ट हो गया, और ऐसे टीममेट होने चाहिए भाई। अब ये वाले बंदे को देखना, कई बार जो है मैंने आपको कहा था कि पावर यूज़ करते समय आदमी थोड़ी सुध-बुध भूल जाता है। अब मैं यहाँ पे नीचे कूदा तो उसको लगा कि मैं अभी भी उसी वाली बिल्डिंग में हूँ। और भाई ये वाला बंदा जो है पता नहीं कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बिल्कुल ओपन में आगे पता नहीं है क्या, यहाँ पर जो है एकदम गोल गोल से बना रहा है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे जो है मैग्मा को ये क्रिएट करने की तो ट्राई कर रहा था अपने टीममेट को लूटने के लिए, लेकिन इससे हुआ नहीं है, बहुत अजीब जगह पे जो है बन गए। अब फिलहाल यहाँ पे जल्दी से मैं स्कारल ले लेता हूँ और चलते हैं सामने वाली साइड। अब वहाँ से फायर आ रहा था तो मैंने सोचा जल्दी से उनको भी निपटाते हैं। और यहाँ पर जो है मेरे को लूट तो मिल चुकी थी सिवाय एक वेस्ट के और बाकी सब चीज़ों के, आई मीन हेलमेट और वेस्ट रह गया था, बट फिर भी मैंने सोचा चलो रश करते हैं। अब वेस्ट तो मेरे को नहीं मिली, लेकिन हेलमेट मेरे को मिल गया था तो इतना काफ़ी था भाई जल्दी से रश करने के लिए। अब जहाँ से फायर आ रहा था तो मैं उस तरफ जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता हूँ, क्योंकि एक जगह पे मैं ज़्यादा रुक नहीं सकता, और यही आपको भी करना चाहिए ऑब्वियसली यार। अब मेरे को ये दिखता है, मैं थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करता हूँ। अब मैं वो वाले बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बीच में जो है एक और बंदा आ जाता वहाँ पे और मेरा फिर ध्यान उस पर हो जाता है, और वो वाला बंदा जो किसी और तीसरे बंदे पे ध्यान देता बंदा। अब फिलहाल मैंने सोचा यार ये बढ़िया मौका, जब वो किसी और को मार रहा है तो मैं यहाँ पे चुपके से जो है क्रॉस कर लेता हूँ, और ये मेरे लिए काफ़ी बेटर होगा। अब यहाँ पर मैं जैसे क्रॉस किया तो इधर आते हैं, और जस्ट अब देखना यहाँ पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा पिंग इशू होता है। जस्ट मैं देखो मैं कहाँ तक पहुँच जाता हूँ, उसके बाद जो है वापस किस जगह पर जाकर टेलीपोर्ट रहता हूँ। जस्ट देखो आप, मैंने इस बंदे को डैमेज किया और वापस देखना मैं कहाँ पे टेलीपोर्ट होता हूँ। देखो वापस यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया, वहाँ तक पहुँच गया था मैं ऑलमोस्ट। और फिलहाल वो वाला बंदा जो है इस दरवाजे के जस्ट पीछे, मैंने सोचा खिड़की के थ्रू घुस जाते हैं, ये जो खिड़की दिख रही है यहाँ से घुस तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खतरा रहेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा मौका रहेगा जब तक मैं यहाँ पे जो है अंदर की तरफ टापूंगा। अब फिलहाल देखो कैसे मार रहे हैं इस बंदे को, डैमेज तो मैंने कर ही दिया था। अब एक बुलेट लगा दी इस बंदे को, जो कि काफ़ी इजीली लगा दी मैंने, और भाई इस बंदे को जो खत्म कर देते। अब फिलहाल एक और बंदा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आते, मेरे को लगा वो सीधा गुस्सा आएगा, मैंने इसलिए प्री फायर दिया उसको, लेकिन वो वाला बंदा जो टिप भी ले रहा है यहाँ पे। मैंने सोचा यार उसको मारने से पहले तो यहाँ पे अपन लूट लेते हैं, लेकिन जितना मेरे पास था उतना काफ़ी था उस बंदे को मारने के लिए। यहाँ पे मैं आता हूँ थोड़ा टेस्ट करने के लिए कि वो वाला बंदा क्या करता है। जस्ट यहीं पे है वो बंदा, बहुत क्लोज है, तो मैंने सोचा पीछे से जाता है क्योंकि उस तरफ से भी एक रास्ता है। और जस्ट देखो ये वाला बंदा क्या क्या कर रहा है। ये वाले बंदे ने पावर अपनी काफ़ी अच्छी जगह पे यूज़ करी थी, लेकिन एट द एंड जो है काफ़ी इजीली मार गए ये वाले बंदे को। और आई डोंट नो यार इसके पास कौन सी पावर थी इसने, यहाँ पे शायद दीवार तो कोई ना कोई बनाई थी, क्योंकि मेरे को आवाज़ है दीवार से। अब वहाँ से मैं निकला, आता है इस जगह पे। अब यहाँ पे क्या आता है, एक बंदे के मेरे को वो आ रहे थे, गन शॉट्स आ रहे थे, और इसकी मूवमेंट से तो लग रहा था ये बंदा ही है, क्योंकि ये यहाँ पे इसने अभी अभी जो है एक बंदे को मारा था। इसको फिलहाल मैंने मारा तो पीछे से भी गन शॉट आते हैं। अब मैं उस तरफ अट्रैक्ट होता हूँ तभी ऑटो फायरिंग होती है। अब मैं समझ गया था वहाँ पे बंदे हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ क्योंकि पीछे की साइड गाड़ी नहीं थी, तो शायद इस वाली साइड अपने को गाड़ी भी मिल जाए और बंदा भी मिल जाए। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जिसने पहले देखा वही पहले मारेगा, और जी हाँ पहले मैंने देख लिया था उस बंदे को और काफ़ी इजीली मार रहा था ये वाले बंदे को। और लकीली जो है तुम्हारे भाई को ये वाली साइड जो है गाड़ी भी मिल जाती है। इसकी लूट लेने के बाद मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे दिखती मेरे को ये गाड़ी, कई बार सड़क की साइड गाड़ी नहीं होती तो इस साइड मिल जाती है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे आया था ये जगह एकदम बहुत सुनसान रहती है, ज़्यादा लोग यहाँ पे आते नहीं, क्योंकि ड्रॉप गिरा था तो एक टीम आ जाती है यहाँ पे। मेरे को लगा कि ये डायरेक्ट ड्रॉप पे आएंगे, लेकिन गाड़ी देखकर इतने भाग लिए यहाँ से, और मैंने सोचा कि थोड़ा स्प्रे देंगे इनको, लेकिन गाड़ी कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा दूर जा चुकी थी और पावर भी थी उनको।
अब यहाँ पे मैंने जैसे एक बंदा उतरा तो मैंने उसको नॉक करने की ट्राई करी, लेकिन इसको डैमेज हुआ, नॉक नहीं हुआ वो वाला बंदा। अब आई थिंक उनके पास कोई ना कोई तो पावर है जिसका वो आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो क्या करा, जिसको डैमेज करा तो वो वाला बंदा जो है किसी कवर के पीछे चला जाता है, और ये जो मुंडी दिखा रहा है इसके पास स्नाइपर है पक्का। उसको मैंने डैमेज करा, लेकिन इतनी दूर से जो है ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, और नॉक अगर मैं कर भी दूँ यहाँ से उनको नॉक तो वहाँ पे जाने के बाद जो है वो काफ़ी इजीली रिवाइव हो जाएंगे, और उनके पास पावर भी है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। खैर अब जो भी हो यार, वहाँ पे जाके तो अपने को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो अपने को यहाँ से जाना पड़ेगा या तो उनको जाके मारना पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, अब जो भी होगा जाके मारेंगे उनको। और जैसे मैं इस वाली जगह पर पहुँचा भाई, उन्होंने पावर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपना, दीवारें भी बारे बना दी थी अच्छी खासी। लेकिन लकीली भाई एक बंदा जो मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता है, और दूसरे बंदे का स्प्रे जो है काफ़ी फुस था। यहाँ पर मैंने जो है अपना स्प्रे थोड़ा सा कंटिन्यू रखा और काफ़ी सीली मार देंगे वाले बंदे को। दीवारें दीवारें तो काफ़ी खूब बनाई थी उन्होंने अच्छे से यहाँ पर स्प्रे करने के लिए, लेकिन एट देन ये यहाँ पे रुके क्यों मुझे नहीं पता यार। या तो ये मेरे को रश करके मार देते, या तो ये यहाँ पे रुकते नहीं, यहाँ से चले जाते। फिलहाल एक गाड़ी दिखती है और वो गाड़ी वाले भी वहीं पर रुक जाते, मैं भी यहीं पर रुक जाता हूँ, और फुटस्टेप आते उनके तो मैं थोड़ा सा जो है मॉनिटर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं चुप जाता हूँ। और अब देखो यहाँ पे टीपी लेने का क्या फ़ायदा रहता है, ये फ़ायदा रहता है भाई टीपी लेने का, कई बार जो है आप स्लो हो जाते हो, दैट्स वाई टीपी नहीं लेना चाहिए मैक्सिमम ऑफ द टाइम। अगर आपको लग रहा है सामने एक ही बंदा है तो भाई 1v1 तो काफ़ी इजीली, अगर आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा अच्छा उसको मार सकते हो तो भाई आपको जाके रेस्ट करना चाहिए टीपी की बजाय। वहाँ पे वो वाला बंदा टीपी लेने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जाता है, और अब आते हैं ये वाले मोमेंट पे। आप यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा जो है किसी और को फायरिंग कर रहा होता है, मैं आपका गतका पे केवल मतलब जिस तरह से फायरिंग कर रहे थे, इसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि भाई इसकी बिल्डिंग के नीचे कोई आ गया था। मैंने यहाँ पे जो है मॉली फेंक दी, और अब ये बंदा जो है बहुत काफ़ी मतलब एकदम दिमाग वाली टीपी भी लेता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे नेट पिन करता हूँ, यहाँ पे नेट खींचता हूँ, तो ये वाला बंदा जो है जंप करता है, तो मेरे को लगा शायद ये ऊपर चढ़ेगा क्योंकि वहाँ पे एक जो है हल्की सी छत है तो उसके ऊपर भी जा सकते हैं लोग। मेरे को लगा ये वहीं पर है, और जैसे मैं ऊपर गया तो देखो ये तो यहीं पर टीपी भी ले रहा था, और इस बंदे ने जो है थोड़ा सा मेंटल गेम खेला मेरे साथ, लेकिन एंड देन जो है इसको मार दिया इसको भी। और अब यहाँ पे जो है हम मैच जीतने के काफ़ी क्लोज थे, लेकिन अब वो मोमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा बैड लक वाला, जो मैंने आपको कल दिखाया था। और दो बंदे जो है गाड़ी चेंज कर रहे थे, मैंने सोचा ऊपर रुक के इनको मारेंगे। अब यहाँ पे जैसे ऊपर रुका तो भाई गाड़ी की साइड देखो, मतलब कुछ कुछ तो कई बार तो मतलब लगता है कि यार पबजी में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब साइड लगने से कौन मरता है यार। अगर तो आप गाड़ी के नीचे आते हो तो आप समझ सकते हो यार कि आप हाँ गाड़ी के नीचे आया बंदा मर जाता है, लेकिन यार गाड़ी की साइड लगने से, वो भी हल्की सी एक रगड़ लगने से अगर आदमी मर जाए तो भाई यार ये तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। तो यार दैट्स इट, ये तो गेमप्ले होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ जो है आप अपना फेवरेट मोमेंट को टैग कर सकते हो, और इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी मोमेंट बढ़िया लगा। तो जिसने भी फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब किया तो भाई बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ उस लाल बटन को दबाओ, मतलब उसको जो है आप ग्रे कलर का कर दो सारे के सारे दबा के। और बाकी मिलता हूँ किसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।